हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग थर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला फॉर्मेट बनाते हैं। अभी ये जो है प्रॉब्लम नंबर 3, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। तो अपना जो प्रोप्राइटर है उसका नाम है हिमांशु, तो इधर हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ हिमांशु, ये अपना हेडिंग है। और उसके नीचे जर्नल एंट्रीज, ये अपना हेडिंग हो गया। किसके बुक्स में बनाने का है, क्या बनाने का है, ये आपको इधर लिखना है। फिर सबसे पहला हेडिंग हम लोग ने बनाया, फिर फॉर्मेट बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF, फिर डेबिट रुपीस, फिर क्रेडिट रुपीस, तो ये फॉर्मेट बना के हो गया। पर मैं उसका रूलिंग बॉर्डर्स ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बॉर्डर बनाए, अभी हम लोग कॉलम्स बनाते हैं डेट के लिए। डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, उसके बाद LF, डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लोगों ने बॉर्डर्स बनाई। अभी इसके बाद अपना जो ऊपर के हेडिंग्स है उसको क्लोज करते हैं। तो ये हेडिंग्स को हम लोगों ने क्लोज किया, उसके बाद ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। अभी इधर आपको ईयर मेंशन किया है, तो डेट में सबसे पहले आपको ईयर डालने का है। ईयर के आगे आपको कुछ लिखने का नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आपको मंथ डालने का है, दिसंबर, फिर डेट डालो 01। तो ये तरीका है डेट डालने का, सबसे पहला ईयर, उसके बाद मंथ, फिर डेट, और फिर फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹75,000। ओके, अभी ये ट्रांजैक्शन हम लोग ने पहले डिस्कस किया है, अपने बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट देंगे। और प्रोप्राइटर गिवर है तो प्रोप्राइटर को क्रेडिट करेंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और फिर उसका अमाउंट आएगा 75,000। ओके, तो फिर एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और फिर उसका नरेशन, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ₹75,000। सबको समझ में आ गया? ओके, अभी नरेशन लिखने के बाद उसको क्लोज करेंगे। तो ये क्लोज किया, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट। फिर अगला ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो अभी गुड्स इधर परचेज कर रहे हैं कैश को, एक लाइन छोड़ के डेट डालेंगे दिसंबर 7। अभी इधर हम लोग गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो परचेस नाम का खर्चा आएगा, परचेसेस अकाउंट को हम लोग को डेबिट देना है। और कैश को परचेस किया है तो कैश अपना बिजनेस से जा रहा है, तो कैश अकाउंट को अपने को क्रेडिट करना है। सबको क्लियर है? ओके, और इसकी अमाउंट है 10,000। और फिर नरेशन, Being purchased goods for cash, being purchased goods for cash, ₹10,000। सबको क्लियर है? ओके,
अभी नरेशन होने के बाद इसको हम लोग क्लोज करते हैं। ये हम लोग ने इसको क्लोज किया। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अगला ट्रांजैक्शन है दिसंबर 9, सोल्ड गुड्स टू स्वाति ₹5,000। अभी ये ट्रांजैक्शन में मोड ऑफ ट्रांजैक्शन अपने को दिया नहीं है तो, और पार्टी का नाम दिया है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। हम लोग स्वाति को सेल कर रहे हैं तो स्वाति रिसीवर है, तो स्वाति अकाउंट को हम लोग डेबिट देंगे। स्वाति रिसीवर है करके स्वाति अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, और हम लोग सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स अपना इनकम है तो सेल्स को अपने को क्रेडिट देना है। सबको क्लियर है? तो अपने को सेल्स अकाउंट को क्रेडिट देंगे और इसका जो अमाउंट है 5,000। और फिर नरेशन बीइंग सोल्ड गुड्स टू स्वाति, सबको क्लियर है? और उसका अमाउंट ₹5,000। नरेशन लिखने के बाद इसको क्लोज करना है। फिर अगला ट्रांजैक्शन लेंगे दिसंबर 12, परचेस फर्नीचर। अभी परचेस फर्नीचर इधर पार्टी का नाम दिया नहीं है तो फर्नीचर हम लोग ने कैश को परचेस किया है। उसका डेट है दिसंबर 12, दिसंबर 12 को फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो फर्नीचर अपने बुक्स में आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट को अपने को क्रेडिट देना है। और उसका अमाउंट है 3,000। बाद में नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹3,000, बीइंग परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹3,000। सबको क्लियर है? उसके बाद क्लोज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिसंबर 18, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। अभी इधर ध्यान दो, हम लोग ने गुड्स जो सेल किया है स्वाति को 5,000 का, और 5,000 के बदले में स्वाति अपने को 4,000 दे रही है तो इधर 1,000 का डिस्काउंट है। 5,000 के बदले में 4,000 दे रही है तो 1,000 का डिस्काउंट है। अभी इसकी एंट्री कैसे करते हैं? सबसे पहला डेट डालेंगे दिसंबर 18, ये अपनी डेट है। तो ये ट्रांजैक्शन में कैश अपने पास आ रहा है, स्वाति गिवर है तो स्वाति को हम लोग क्रेडिट देंगे और कैश को डेबिट देंगे। अभी इधर डिस्काउंट अपना हो रहा है 1,000 का। अभी ये डिस्काउंट अपना लॉस है या इनकम है? अभी डिस्काउंट देखो, हम लोग ने 5,000 का गुड सेल किया और वो 4,000 ही दे रही है तो 1,000 अपना लॉस है तो ये लॉस है करके डिस्काउंट को भी डेबिट देना पड़ेगा। मतलब कैश आ गया 4,000 का, कैश को डेबिट देना है और डिस्काउंट अलाउड ये लॉस का नाम है तो डिस्काउंट अलाउड को भी आपको 1,000 से डेबिट देना है। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना मिला आपने को 4,000। ओके, कैश अकाउंट डेबिट आएगा 4,000 से। उसके बाद लॉस कितना हो गया डिस्काउंट का 1,000, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अगर अपने को डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको डिस्काउंट रिसीव्ड बोल रहे हैं, और अगर हम लोग अलाउ करते किसी और को तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। और इधर गिवर कौन है? स्वाति, तो स्वाति को अपने को क्रेडिट देने का है टू स्वाति अकाउंट, और उसका अमाउंट आएगा पूरा 5,000। सबको क्लियर है ट्रांजैक्शन? मतलब उसको देने का था 5,000
और अपने को मिला 4,000 और 1,000 का डिस्काउंट दे रहे, क्लियर है। तो इसका नरेशन लिखते हैं, बीइंग पेड रुपीज 4,000, सॉरी बीइंग पेड नहीं, ये बीइंग रिसीव्ड है, बीइंग रिसीव्ड रुपीज 4,000 फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट, सबको क्लियर है ट्रांजैक्शन। अभी इसको हम लोग क्लोज करते हैं। ओके, उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन पेड रेंट। अभी पेड रेंट, रेंट अपना खर्चा है तो रेंट को डेबिट देना है। डेट है दिसंबर 25, तो रेंट खर्चा है तो रेंट अकाउंट डेबिट आएगा। तो खर्चा इसके लिए रेंट को डेबिट दिया और अपना कैश जा रहा है करके कैश अकाउंट को अपने को क्रेडिट देना है। सबको क्लियर है। उसके बाद उसकी अमाउंट है 1,000, तो 1,000 अमाउंट आपको लिखनी है और नरेशन बीइंग पेड रेंट रुपीज 1,000, बीइंग पेड रेंट रुपीज 1,000, तो नरेशन लिखा। अब इसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी रुपीज 1,000 500 और डेट है दिसंबर 30 को सैलरी पे कर रहे हैं। सैलरी ये भी पिछले ट्रांजैक्शन के जैसा है, सैलरीज अकाउंट अपने लिए खर्चा है तो उसको डेबिट देंगे और अपना कैश जा रहा है करके कैश अकाउंट को क्रेडिट देंगे। सबको क्लियर है। और इसकी अमाउंट है 1,500, और नरेशन बीइंग पेड सैलरीज रुपीज 1,500, ठीक है। अब इसका टोटल लेंगे, पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था टोटल अपना सेम आना चाहिए। टोटल लेंगे 1,500 और इधर का भी 1,500। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और इधर टोटल लिखते हैं। तो सबको क्लियर है। ओके, थैंक यू। अभी फोर्थ प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ मुदित। तो अभी हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ मुदित, ये अपना हेडिंग है। और फिर नीचे जर्नल एंट्रीज, हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करने वाले हैं। तो ये हेडिंग हो गया। उसके बाद तो फिर अभी हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला डेट कॉलम, उसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ का कॉलम, फिर डेबिट रुपीज, फिर क्रेडिट रुपीज,
तो ये अपना फॉर्मेट बना के हो गया, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, LF, डेबिट क्रेडिट, फिर बॉर्डर्स बनाते हैं। बॉर्डर्स बनाए, अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट और पर्टिकुलर्स कॉलम, उसके बाद LF, डेबिट क्रेडिट, ये तीन कॉलम। ओके, तो अपना रूलिंग हो गया। अभी अपना जो हेडिंग्स है उसको क्लोज करते हैं। ओके, अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कमिंस बिजनेस विथ कैश 1,75,000। ओके, और नीचे का बिल्डिंग भी सेम डेट का है, तो ये हम लोग कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। कैश और बिल्डिंग से हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग ईयर डालेंगे 2017 और डेट आएगा January 1। तो अभी अपने बिजनेस में आ रहा है कैश अकाउंट। अभी इधर आपको एक ध्यान में रखना है, जब आप एंट्री स्टार्ट करते हो तो ईयर के सामने कुछ लिखने का नहीं है, आपको डेट के सामने अकाउंट का नाम लिखना है, ईयर के सामने नहीं लिखना है। तो अभी ये बिजनेस में कैश आ रहा है 1,75,000 और बिल्डिंग अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, वो 1,00,000 का है। और इधर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट देंगे क्योंकि प्रोप्राइटर कीवर है, तो इधर 1,75,000 कैश, 1,00,000 बिल्डिंग, टोटल आ जाएगा 2,75,000। और नरेशन बीइंग कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश एंड बिल्डिंग, बीइंग कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1,75,000 एंड बिल्डिंग रुपीज 1,00,000। ठीक है, तो ये अपना नरेशन हो गया, उसके बाद क्लोज करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया अपना। सेकंड, गुड्स परचेस फॉर कैश, अभी गुड्स परचेस कर रहे हैं कैश को, तो ये अपना खर्चा है, January 2 डेट है, तो खर्चा है, तो परचेस अकाउंट को डेबिट देंगे, परचेस अकाउंट डेबिट, और कैश अपना जा रहा है करके कैश अकाउंट को क्रेडिट देंगे, और इसकी अमाउंट है 75,000। ठीक है, बाद में नरेशन बीइंग परचेस्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 75,000। नरेशन होने के बाद क्लोज करेंगे। और ये ट्रांजैक्शन का डेट था January 2। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन January 3, सोल्ड गुड्स टू रमेश 30,000। अभी सोल्ड गुड्स टू रमेश, इधर पार्टी का नाम दिया है और मोड ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं दिया है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, January 3 को हो रहा है, रमेश को गुड्स सेल कर रहे हैं, तो रमेश अपना रिसीवर है,
रमेश को अपने को डेबिट देना पड़ेगा, तो इधर एंट्री आएगी रमेश अकाउंट डेबिट, और इधर सेल कर रहे, सेल अपना इनकम है, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और उसकी अमाउंट है 30,000। तो 30,000 अमाउंट लिखेंगे, नरेशन आएगा बीइंग सोल्ड गुड्स टू रमेश फॉर रुपीस 30,000। सबको क्लियर है? उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। ओके, फिर अगला ट्रांजैक्शन लेंगे जनवरी 4 पेड वेजेस। अभी पेड वेजेस, वेजेस अपना खर्चा है, तो वेजेस को डेबिट देना पड़ेगा, वेजेस अकाउंट डेबिट, और कैश अपना बिजनेस से जा रहा है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट देना पड़ेगा, और उसकी अमाउंट है 500। और फिर नरेशन बीइंग पेड वेजेस रुपीस 500। सबको क्लियर है? ओके, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 5 सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीस 10,000। तो अभी एंट्री करने से पहले हम लोग इसको क्लोज करेंगे। अभी हम लोग कैश सेल्स कर रहे हैं जनवरी 5 को, तो बिजनेस में कैश आ रहा है। और सेल्स हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और सेल्स अपना इनकम है तो सेल्स अकाउंट को आपको क्रेडिट देना है। तो कैश अपना बिजनेस में आया और सेल्स अपना इनकम है, और उसकी अमाउंट जो है 10,000। नरेशन बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश फॉर रुपीज 10,000। सबको क्लियर है? ओके, अभी उसका नरेशन लिखने के बाद हम लोग क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 6 के बाद जनवरी 10 पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस। अभी ट्रेड एक्सपेंसेस अपना खर्चा है, तो खर्चा कौन सा भी रहेगा अपने को उसको डेबिट देने का है। डेट है इसका जनवरी 10 को ट्रेड एक्सपेंसेस खर्चा है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट देंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट अपना कैश जा रहा है करके कैश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट देंगे। अमाउंट आएगा 700। और फिर नरेशन बीइंग पेड ट्रेड एक्सपेंसेस रुपीज 700। सबको क्लियर है? नरेशन लिखने के बाद क्लोज करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश रुपीज 29,500, डिस्काउंट अलाउड 500। अभी इधर आपको क्लियर कट लिखा भी है कितना कैश मिला है और कितना डिस्काउंट दिया है। तो देखो जनवरी 3 को हम लोग ने रमेश को सेल्स किया था 30,000 का,
अभी 30,000 के बदले में वो अपने को 29,500 दे रहा है, 29,500 दे रहा है और 500 का डिस्काउंट है। तो अभी इसको कैसे करना है, सबसे पहला जनवरी 12 को कैश अपने को मिला 29,500, तो कैश अकाउंट डेबिट करना है। कैश अकाउंट डेबिट वो आएगा 29,500। ओके, अभी जैसे डिस्कस किया था हम लोगों ने कि डिस्काउंट अपने लिए खर्चा है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट आएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और इधर रमेश गिवर है तो रमेश को अपने को क्रेडिट देना है, रमेश को क्रेडिट देंगे 30,000 से, और इधर 500 रुपया डिस्काउंट है। फिर नरेशन बीइंग रिसीव्ड रुपीज 29,500 फ्रॉम रमेश इन फुल सेटलमेंट। सबको क्लियर है? तो ये ट्रांजैक्शन होने के बाद इसको क्लोज करेंगे। फिर अगला ट्रांजैक्शन लेंगे जनवरी 14, गुड्स परचेस फ्रॉम है वो, फॉर नहीं, गुड्स परचेस फ्रॉम सुधीर। तो गुड्स परचेस कर रहे हैं सुधीर से, तो पार्टी का नाम दिया है और मोड ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं दिया है, तो ये अपना क्रेडिट ट्रांजैक्शन है जनवरी 14 को। तो डेट डालेंगे जनवरी 14, हम लोग गुड्स परचेस कर रहे हैं तो अपने लिए खर्चा है, तो अभी परचेस अकाउंट डेबिट, उसके बाद ये हम लोग परचेस कर रहे हैं सुधीर से, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो सुधीर को अपने को डेबिट देना पड़ेगा सुधीर अकाउंट, और इसका जो अमाउंट है 27,000। और फिर नरेशन बीइंग परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सुधीर फॉर रुपीज 27,000, उसके बाद क्लोज करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कार्टेज पेड रुपीज 1,000। अभी ये कार्टेज क्या होता है, अभी जैसे बैलगाड़ी है या घोड़ा गाड़ी है तो उसके लिए जो पैसा पे करते हैं उसको कार्टेज पे करते हैं, और वो खर्चा है करके, खर्चा मतलब कार्टेज को डेबिट करना है जनवरी 18। डेट डालेंगे जनवरी 18, और उसके बाद कार्टेज अकाउंट को अपने को डेबिट देना है, कार्टेज अकाउंट डेबिट, और अपना कैश जा रहा है करके कैश अकाउंट को अपने को क्रेडिट देना पड़ेगा, और उसका अमाउंट है 1,000। और फिर उसका नरेशन बीइंग पेड कार्टेज रुपीज 1,000। सबको क्लियर है? फिर इसको क्लोज करना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। अभी ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ये 20 जनवरी का है, 5,000 का, तो डेट जानने के 20 जनवरी डेट है,
अभी गुड्स जो विड्रॉ सॉरी कैश जो विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, ये अपना ड्रॉइंग्स है, प्रोपराइटर रिसीवर है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट देना है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और अपना कैश बिजनेस से जा रहा है करके कैश अकाउंट को आपको क्रेडिट देना है, ओके। और उसकी अमाउंट है 5,000 और नरेशन बीइंग विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। सबको क्लियर है? अब इसके बाद इसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करेंगे जनवरी 22, गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड यूज। अब ये हाउस होल्ड यूज मतलब पर्सनल यूज ही है, इधर भी ड्रॉइंग्स अकाउंट आएगा, लेकिन अभी इधर गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं, तो गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं तो अपने को परचेस अकाउंट लिखना पड़ेगा। तो इधर एंट्री आएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और इधर परचेस अकाउंट को क्रेडिट देना पड़ेगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, और उसका जो अमाउंट आएगा 2,000 आएगा। उसके बाद नरेशन लिखेंगे बीइंग विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज या हाउस होल्ड यूज, जो नरेशन में लिखा है वही आपको लिखने का है, मीनिंग भले ही सेम हो। ₹2,000 नरेशन लिखने के बाद अपने को इसको क्लोज करना है। उसके बाद लास्ट एंट्री कैश पेड टू सुधीर 26,700, डिस्काउंट अलाउड 300। अब ये उल्टा ट्रांजैक्शन है, पिछले ट्रांजैक्शन में हम लोग कैश रिसीव करते थे, अभी इधर कैश पे किया है, तो इधर सुधीर को पे कर रहे हैं, तो सुधीर रिसीवर है, तो इधर जनवरी 25 को अपने को सुधीर अकाउंट को डेबिट देना है, सुधीर अकाउंट डेबिट, क्योंकि सुधीर ये रिसीवर है, सुधीर अकाउंट को अपने को 27,000 देना है सुधीर को, तो 27,000 के बदले में हम लोग 26,700 दे रहे हैं, तो इधर पूरा अमाउंट आएगा 27,000, क्योंकि उतना अमाउंट उसको ड्यू है और उसको कैश पे कर रहे हैं, कैश हम लोग पे कर रहे हैं 26,700, 26,700 हम लोग उसको कैश पे कर रहे हैं। अभी ये जो डिस्काउंट है ये अपने को मिल रहा है, 27,000 के बदले में 26,700 पे कर रहे हैं, तो डिस्काउंट का बेनिफिट अपने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सबको क्लियर है? अगर हम लोग अलाउ कर रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट होता है, और अगर अपने को उसका बेनिफिट मिलता है तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। ₹300 का डिस्काउंट का बेनिफिट अपने को मिलेगा। फिर नरेशन बीइंग पेड ₹26,700 टू सुधीर
इन फुल सेटलमेंट। सबको क्लियर है? फिर ये लास्ट ट्रांजैक्शन था, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे, इसका टोटल लेंगे, टोटल लेने के बाद टोटल को क्लोज करेंगे, फिर इधर लिखेंगे टोटल। ओके, थैंक यू। अभी हम लोग फिफ्थ प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स। सबसे पहला फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स पहले पार्टी का नाम लिखा, उसके बाद जर्नल एंट्रीज, फिर फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। कॉलम्स, सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर एलएफ का कॉलम, फिर डेबिट रुपीस, फिर क्रेडिट रुपीस। तो ये फॉर्मेट बनाया। अभी हम लोग इसको ऑर्डर बनाएंगे। सबसे पहला डेट और पर्टिकुलर्स का बॉर्डर, फिर एलएफ डेबिट और क्रेडिट का बॉर्डर, अभी इसको क्लोज करते हैं। तो ये हम लोग ने फॉर्मेट बनाया। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ₹1000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट्स। अब इधर ध्यान दो, इधर प्रॉब्लम में क्या लिखा है कि ₹1000 अपने को रोहित से ड्यू था और वो अभी बैड डेट्स बन गए। बैड डेट्स का मतलब है कि हम लोग ने रोहित को गुड्स बेचा है क्रेडिट पे और अभी उसका पैसा जो है वो अभी रिकवर होने वाला नहीं है, तो उसको बोलते हैं बैड डेट्स। अभी अपने को क्या करना है, बैड डेट्स को डेबिट देना है क्योंकि वो अपना लॉस है, और रोहित को अपने को क्रेडिट देना है। तो अभी ये जो ट्रांजैक्शन है उसका एंट्री आएगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट को अपने को डेबिट देना है और रोहित अकाउंट को अपने को क्रेडिट देना है। सबको क्लियर है? और उसकी जो अमाउंट है 1000, तो 1000 अमाउंट आएगी। और नरेशन, बीइंग ₹1000 ड्यू फ्रॉम रोहित वॉज नाउ बैड डेट्स। ओके, तो फर्स्ट एंट्री हो गई अपनी, उसके बाद उसको क्लोज करेंगे। सेकंड एंट्री, गुड्स वर्थ ₹2000
वेयर यूज बाय प्रोपराइटर। अभी यूज बाय प्रोपराइटर मतलब ये पर्सनल ट्रांजैक्शन है, तो इधर ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट देना है और गुड्स विड्रॉ कर रहा है करके अपने को परचेस अकाउंट को क्रेडिट देना है। तो इधर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट को अपने को डेबिट देना है और परचेस अकाउंट को अपने को क्रेडिट देना है। सबको क्लियर है? अभी आप पूछेंगे ये परचेस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट क्यों दे रहे हैं। रीज़न सिंपल है, जब आप गुड्स परचेस करते हो तो परचेस अकाउंट को डेबिट देते हो। अभी गुड्स आपके बिजनेस से जा रहा है तो परचेस अकाउंट को ही आपको क्रेडिट देना है। सबको समझ में आ गया? नरेशन बीइंग गुड्स वर्थ रुपीज 2000 वेयर यूज बाय प्रोप्राइटर। अभी नरेशन होने के बाद हम लोग उसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 मंथ्स ऑन मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000। इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन में बोला है डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करने का है, 30,000 का मशीनरी है उसके ऊपर 10%। अभी डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि एसेट्स का हर ईयर वैल्यू कम होते जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ भी एसेट्स परचेस कर रहे हैं, समझो 10 लाख की बिल्डिंग परचेस की और वो अगर 10 साल चलने वाली है तो हर ईयर उसका 1 लाख वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से कम होते जाता है। तो जो वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स से कम होते हुए जा रहा है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और ये परसेंटेज में दी रहती है। तो 30,000 का मशीनरी है और उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है, तो 30,000 का 10% डेप्रिसिएशन 3,000, और इधर क्वेश्चन में बोला है 2 मंथ्स का कैलकुलेट करने का है, मतलब 3,000 पूरे ईयर का है तो 2 मंथ्स का उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एंट्री आपकी आएगी डेप्रिसिएशन आपका लॉस है, तो डेप्रिसिएशन को आपको डेबिट देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और इधर मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है तो अपने को मशीनरी को क्रेडिट देना पड़ेगा। अभी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 30,000 का आपको 10% निकालना है और ये 2 मंथ्स के लिए निकालने का है। मंथ्स का कैलकुलेशन कैसे रहेगा? 2 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। अभी ये 12 क्यों लिया? क्योंकि ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, इसके लिए 12 मंथ्स ले रहे। तो 30,000 का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है और उसका जो पीरियड है 2 मंथ्स के लिए, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी वो जो डेप्रिसिएशन आएगा ₹500 आएगा, और इधर मशीनरी अकाउंट को अपने को क्रेडिट देना पड़ेगा। मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, इसके लिए मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट दे रहे। बाद में नरेशन बीइंग चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% फॉर
टू मंथ्स ऑन रुपीज 30,000। ठीक है, नरेशन हो गया। नरेशन होने के बाद इसको क्लोज करेंगे। अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रुपीज 1,50,000 एट 6% फॉर 9 मंथ्स। अभी ये भी इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन है। अभी इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपके लिए खर्चा होता है। अब ये खर्चा कैसे, अभी बिजनेस में हम लोग कैपिटल डाल रहे हैं, तो कैपिटल ये बिजनेस के लिए लोन रहता है, जो लोन बिजनेस प्रोप्राइटर से लेता है। तो अभी ये जो लोन बिजनेस को मिला है उसके ऊपर बिजनेस इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये खर्चा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको डेबिट देना है, और ये इससे क्या हो रहा है, प्रोप्राइटर का कैपिटल बढ़ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट को आपको क्रेडिट देना है। तो एंट्री आएगी इसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, फिर उसका कैलकुलेशन आएगा। कैलकुलेशन है 1.5 लाख का 6% 9 महीने के लिए, तो उसका कैलकुलेशन करेंगे। 1,50,000 के ऊपर आपका 6% आएगा, और ये 9 मंथ्स के लिए, तो 6/100 मतलब 6%, 9/12 मतलब 9 मंथ्स। सबको क्लियर है? ओके, अभी इसका आंसर निकालेंगे। $6,750, और इधर कैपिटल अकाउंट को आपको क्रेडिट देना है $6,750। नरेशन आएगा, बीइंग रिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन रुपीज 1,50,000 एट 6% फॉर 9 मंथ्स। सबको क्लियर है? ओके, फिर नरेशन होने के बाद इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, राहुल बिकेम इंसॉल्वेंट Who owed is rupees 2,000, a final dividend of 60 paise in a rupee is received from his estate. अब इधर ध्यान दो, राहुल इंसॉल्वेंट हो गया मतलब बर्बाद हो गया, और उससे रुपीज 2,000 रुपया आपने को लेने का था। ओड का मतलब है उससे लेना है या उसको देना है। Who owed मतलब उसको अपने को देना है, तो उसको अपने को 2,000 रुपया देना है, और उसके बदले में 60 paise इन अ रुपी मतलब 60% अपने को मिला है उसके इस्टेट में से। तो 2,000 अपने को उससे लेने का था, और 2,000 का 60% मतलब 1,200 रुपया अपने को मिला है, और बाकी का 800 रुपया आपका लॉस है। क्लियर है? तो इसकी एंट्री कैसे आएगी, कैश मिला 2,000 का 60%, तो 1,200 रुपया कैश मिला है, तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, और उसका जो अमाउंट है 2,000 का 60%, 2,000 का 60%, और वो अमाउंट आएगा 1,200। और फिर अपना 800 रुपये का लॉस हो रहा है, तो ये लॉस को बोलेंगे बैड डेट्स अकाउंट। क्रेडिट्स अकाउंट डेबिट, और ये 800 रुपया अमाउंट आएगी, और ये अपने को रोहित से लेने का था, तो क्रेडिट देंगे रोहित को। ठीक है, और उसका अमाउंट आएगा 2,000। नरेशन,
बीइंग रिसीव्ड सिक्सटी पैसे इन अ रूपी फ्रॉम रोहित हु ओड अस रुपीज 2000। सबको क्लियर है? तो ये ट्रांजैक्शन हो गया, अपना प्रॉब्लम भी हो गया। तो अभी इसको क्लोज करेंगे और अभी टोटल लेंगे। अभी टोटल लेने के बाद इसको क्लोज करना है। क्लोज करेंगे और इधर इसका टोटल लिखेंगे। सबको क्लियर है प्रॉब्लम? ओके। तो अभी सिक्स प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अब ये प्रॉब्लम में हम लोग को बिजनेसमैन का नाम नहीं दिया है, तो हम लोग इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। उसके बाद जर्नल एंट्रीज बनाने वाले हैं। और फिर फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला डेट कॉलम, उसके बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर एलएफ, फिर डेबिट रुपीज, फिर क्रेडिट रुपीज, तो ये फॉर्मेट बना के हो गया। अब इसको बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के बाद रूलिंग्स करते हैं। सबसे पहला डेट और पर्टिकुलर्स का रूलिंग, उसके बाद एलएफ डेबिट और क्रेडिट का रूलिंग, तो ये अपना फॉर्मेट बना के हो गया। फिर हेडिंग्स को क्लोज करना है। ओके, तो अपना फॉर्मेट रेडी है। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर अ जर्नल फ्रॉम ट्रांजैक्शंस गिवन बिलो। ओके, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन रुपीज 500। अभी इधर हम लोग कैश पे कर रहे हैं मशीन इंस्टॉल करने के लिए। अभी मशीन इंस्टॉल करने के लिए जो कैश पे कर रहे हैं वो अपना मशीनरी अकाउंट को ही जाता है, क्योंकि एसेट से रिलेटेड रूल है। जो भी खर्चा हम लोग एसेट चालू करने तक कर रहे वो सारा उस एसेट्स अकाउंट को जाता है। तो इधर हम लोग मशीनरी अकाउंट को डेबिट देंगे, क्योंकि मशीनरी का खर्चा हो रहा है। मशीनरी अकाउंट को डेबिट देंगे और कैश अपना जा रहा है करके कैश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। सबको क्लियर है? ओके। और उसकी जो अमाउंट है 500, नरेशन बीइंग पेड कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। सबको क्लियर है? ओके। फिर नरेशन होने के बाद इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन,
गुड्स गिवन एज चैरिटी ₹2,000। अभी चैरिटी अपने लिए खर्चा है, तो खर्चा मतलब चैरिटी को डेबिट देना है, और गुड्स दिया है करके परचेस अकाउंट को क्रेडिट देंगे, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट देंगे परचेस अकाउंट को, क्योंकि गुड्स बिजनेस के बाहर जा रहे। हम लोग ने पिछले प्रॉब्लम में डिस्कस किया था कि अगर गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहे तो परचेस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है। अमाउंट है 2,000। नरेशन बीइंग गुड्स वर्थ रुपीज 2,000 गिवन एज चैरिटी। सबको क्लियर है? ओके, तो नरेशन होने के बाद इसको हम लोग क्लोज करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 7% व्हेन टोटल कैपिटल वेयर ₹70,000। अभी 70,000 के ऊपर 7% इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो ये हम लोग ने डिस्कस किया था। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अपना बिजनेस के लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और उसका अमाउंट निकालेंगे, 70,000 कैपिटल है और उसके ऊपर 7% इंटरेस्ट है। 70,000 का 7% वो आपका आएगा 4,900। तो 4,900 इंटरेस्ट का एंट्री आपको करना पड़ेगा और क्रेडिट देंगे कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि प्रोप्राइटर को वो ड्यू है बिजनेस से, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट देना पड़ेगा। नरेशन बीइंग चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रुपीज 70,000 एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। सबको क्लियर है? ओके, नरेशन होने के बाद इसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड ₹1,200 ऑफ अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। मतलब ये जो बैड डेट्स है, हम लोग ने डिस्कस किया था कि बैड डेट्स, मगर बैड डेट्स का मीनिंग है कि अगर कोई अपना पैसा पे नहीं करता तो उसको बैड डेट्स बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उस पर्टिकुलर ईयर में वो पैसा पे नहीं करता, लेकिन आने वाले ईयर्स में कभी कभी वो पैसा पे करता है, तो वो अपना इनकम है और उसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। तो इधर अपने को इनकम का एंट्री करने का है, अपने को कैश मिल रहा है 1,200 का, तो कैश अकाउंट को डेबिट देना है। तो इधर एंट्री आएगा कैश अकाउंट को अपने को डेबिट देना है। ऊपर हम लोग डेबिट देना भूल गए थे, तो कैश अकाउंट डेबिट और क्रेडिट अपना इनकम है, उसका नाम है बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। सबको क्लियर है? बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट ये इनकम का नाम है, और उसकी जो अमाउंट है, अमाउंट 1,200 नरेशन बीइंग being received ₹1,200
ऑफ अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। सबको क्लियर है? नरेशन लिखने के बाद इसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज 1000। अब इधर ध्यान दो, रेंट अपना खर्चा है और आउटस्टैंडिंग मतलब वो पे करने का बाकी है, तो रेंट अकाउंट को डेबिट करना है क्योंकि वो अपना खर्चा है। रेंट अकाउंट डेबिट और वो पे करने का बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट को अपने को क्रेडिट देना है, आउटस्टैंडिंग रेंट, और उसकी जो अमाउंट है 1000 एक्चुअली ये एफ ट्रांजैक्शन है। हम लोग एफ पहला लेते हैं बाद में ई लेते हैं, तो एफ ट्रांजैक्शन रेंट अपने लिए खर्चा है तो रेंट को डेबिट देंगे और आउटस्टैंडिंग रेंट को क्रेडिट देंगे। नरेशन आएगा, बीइंग एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग रेंट। रुपीज 1000, सबको क्लियर है? ओके, अभी इसको क्लोज करेंगे। अभी हम लोग ई ट्रांजैक्शन करते हैं। ई ट्रांजैक्शन है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर रुपीज 2000। अभी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अपना लॉस है और ये लॉस को हम लोग बोलते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट, तो लॉस बाय फायर अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और अपना गुड्स बिजनेस से जा रहा है करके परचेस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। सबको क्लियर है? और इसकी जो अमाउंट है 2000। बाद में नरेशन, बीइंग गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2000 लॉस्ट बाय फायर। सबको क्लियर है? अभी नरेशन लिखने के बाद इसको क्लोज करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रुपीज 900। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अपोजिट होता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए खर्चा है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपके लिए इनकम है। अभी ड्रॉइंग्स का मतलब क्या रहता है कि प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स या कैश विड्रॉ कर रहा है, तो अगर प्रोप्राइटर पैसा विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से तो उसको बिजनेस को इंटरेस्ट देना चाहिए, तो ये बिजनेस का इंटरेस्ट ये बिजनेस के लिए इनकम हो गया, तो इनकम है करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट देना है और वो वैल्यू कैपिटल से कम हो जाएगी करके कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट देना है। तो नेक्स्ट एंट्री जो आएगी जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इसका अमाउंट आपको रेडीमेड दिया है, अकाउंट लगाएंगे आगे और इसका जो अमाउंट है रेडीमेड आपको दिया है 900,
तो 900 अमाउंट लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स रुपीज 900। सबको क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सुधीर कुमार हु ओड मी रुपीज 3000 हैज फेल्ड टू पे द अमाउंट, ही पेज मी अ कॉम्पनसेशन ऑफ रुपीज 45 पैसे इन अ रुपी। अब इधर सुधीर कुमार जो अपने को 3000 रुपीज उसको अपने को देने का है और वो पे नहीं कर पाया और उसने 3000 के 45 पैसे अपने को दिए हैं, मतलब 3000 का 45% अपने को कैलकुलेट करना है। अभी इधर कैश अकाउंट डेबिट होगा, ट्रांजैक्शन करने से पहले इसको क्लोज करेंगे। तो अभी ये ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट कैश अपने को मिलेगा 45%, तो कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे 3000 का 45%। ठीक है, 3000 का 45% अपने को मिलेगा। $1,350 और बाकी का आपका लॉस हो गया। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, अब ये बैड डेट्स अकाउंट कैसे आएगा, आपको 3000 में से 1350 माइनस करना पड़ेगा। 1350 माइनस करके 1650 आपका लॉस है और गिवर है, गिवर का नाम सुधीर कुमार, तो सुधीर कुमार के अकाउंट को आपको क्रेडिट देना है, सुधीर कुमार अकाउंट, और इसका अमाउंट आएगा 3000 बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम सुधीर कुमार बिकेम इररिकवरेबल फॉर रुपीज 3000 एंड रिसीव्ड 45 पैसे इन रुपी फ्रॉम हिम। सबको क्लियर है? तो 3000 का 45% अपने को मिला है, बाकी का बैड डेट्स। अभी लास्ट ट्रांजैक्शन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 7000। तो अभी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, स्टार्ट करने से पहले इसको क्लोज करेंगे। अभी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ये अपने पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट देंगे। कभी भी आपको ध्यान में रखने का है, कैश का इंटरेस्ट बहुत सिंपल रहता है। अगर कैश अपने बिजनेस में आया तो कैश अकाउंट को डेबिट देना है और अगर कैश अपने बिजनेस से जा रहा है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट देना है। और इधर क्या लिखना है, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस या एडवांस कमीशन, ये अपने लिए लायबिलिटी है क्योंकि कमीशन एडवांस में मिला है। तो कमीशन अगर एडवांस में मिला है तो अगर हम लोग अपना कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पाए तो कमीशन अपने को रिटर्न करना पड़ेगा। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस नाम का अकाउंट आएगा और ये अपनी लायबिलिटी है, इनकम नहीं है।
इनकम वो बाद में उसको वो बाद में इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल एडवांस में मिला है तो ये अपनी लाइबिलिटी है और उसकी अमाउंट है 7,000 और नरेशन बीइंग रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस बीइंग रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस ₹7,000। सबको क्लियर है? अभी ट्रांजैक्शन खत्म हो गए, इसको क्लोज करेंगे और फिर इनका टोटल लेते हैं। टोटल सेम आ गया, अभी इसको क्लोज करते हैं और इधर टोटल करके लिखते हैं। ओके, सबको समझ में आ गया? अभी अगला प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अभी सबसे पहला फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर उसके बाद एलएफ, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट, फिर रुपीस के कॉलम, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। उसके बाद इसको बॉर्डर बनाते हैं। फिर इसको हेडिंग्स को क्लोज करते हैं। उसके बाद रूलिंग्स करते हैं। सबसे पहला डेट और पर्टिकुलर्स को, फिर एलएफ डेबिट क्रेडिट को क्लोज करेंगे। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला उनका नाम हम लोग लिखते हैं। अब इधर इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखा है तो इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क डालेंगे। और बाद में क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं वो लिखेंगे। तो हम लोग ने लिखा अभी ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन में फर्स्ट ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। परचेज गुड्स फ्रॉम संजू वर्थ ₹40,000 एट टर्म 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। अभी ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट आप सबके लिए नया है। अभी ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, जब ट्रांजैक्शन होता है उस टाइम जब अपने को बिजनेसमैन या डीलर अपने को जो डिस्काउंट अलाउड करते हैं उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और ये ट्रेड डिस्काउंट हम लोग एंट्री करते टाइम रिकॉर्ड नहीं करते। और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जब हम लोग अभी क्रेडिट पे गुड्स परचेस कर रहे और उसका पेमेंट समझो 1 महीना या 2 महीने के बाद पे कर रहे, तो अभी हम लोग बराबर से टाइमली लोगों को पेमेंट कर रहे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट अपने को मिलता है जिसको हम लोग कैश डिस्काउंट बोलते हैं। अब ये कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब ट्रेड डिस्काउंट ये ट्रांजैक्शन के टाइम दिया जाता है और कैश डिस्काउंट कैश के पेमेंट या रिसीव करने के टाइम दिया जाता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और कैश डिस्काउंट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अभी इधर परचेस कर रहे संजीव से तो 40,000 का गुड्स परचेस कर रहे 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। तो अभी 40,000 का जो गुड्स है
अपने को 10% लेस से मिल रहा है, तो 40,000 का 10% 4,000 कम हो जाएगा, तो ये गुड्स अपने को 36,000 से मिलेंगे। तो अभी हम लोग 40,000 रिकॉर्ड नहीं करेंगे, 36,000 रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि 4,000 आपका कम हो रहा है। तो जो फर्स्ट एंट्री है उसमें परचेस अकाउंट डेबिट आएगा, परचेस अकाउंट डेबिट, और वो जो है आपका 10% कम होगा, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। तो 40,000 में से 4,000 आपका 10% कम हो जाएगा, तो 4,000 कम हो गया, तो आपका परचेस का डेबिट में 36,000 आएगा। क्लियर है? ओके, फिर आगे क्या लिखा है? हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज पेड एट द टाइम ऑफ द परचेस, मतलब उसमें से आधा अमाउंट हम लोग ने पे किया। अभी 36,000 का आधा कितना होता है? 18,000। तो 18,000 रुपये हम लोग पे कर रहे हैं। अभी 18,000 जब पे करते हैं तो उसमें से और 5% कम हो जाएगा कैश डिस्काउंट का, तो 18,000 का 5% 900 कम हो जाएगा, और हम लोग 17,100 पे करेंगे। सबको क्लियर है? तो अभी इधर क्या करने का, अपना कैश बिजनेस से जा रहा है, तो ये कैश कितना जाएगा, जो भी अपना अमाउंट पे करना है 36,000, उसका आधा जाएगा, और ये आधा 18,000 होता है। अब ये 18,000 पूरा जाएगा क्या? नहीं, 18,000 में से 5% डिस्काउंट 900 रुपया कम करना पड़ेगा। तो 900 रुपया 5% कम कर दिया, 18,000 का 5%, ये 900 है, तो 17,100 पे करेंगे और डिस्काउंट अपने को मिलेगा, 900 रुपये का फायदा होगा। तो इसको इधर लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये अपना फायदा हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये आपका 900 का फायदा हो रहा है। और अभी अपने को कितना संजीव को देने का है? 36,000 में से आधा 18,000 हम लोग ने क्लियर कर दिया, अभी बाकी का 18,000 अपने को संजीव को देने का है। तो इधर संजीव अकाउंट को हम लोग क्रेडिट देंगे 18,000 के लिए। क्लियर है? तो 36,000 अपना परचेस के अमाउंट थी, उसमें से 4,000 10% कम कर दिया, और उसमें से आधा अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं, मतलब 18,000 5% डिस्काउंट के साथ पे कर रहे हैं, 17,100 डिस्काउंट मिला 900 का, और बाकी का अमाउंट संजीव को अपने को पे करने का बाकी है। क्लियर है? नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेस्ड गुड्स वर्थ रुपीज 40,000 फ्रॉम संजू एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड पेड हाफ द अमाउंट एट टाइम ऑफ परचेस, हाफ द अमाउंट एट टाइम ऑफ परचेस। सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज, कॉस्ट 500, सेल्स प्राइस 700। अभी पर्सनल यूज के लिए जो गुड्स विड्रॉ करते हैं उस टाइम अपना कॉस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेल्स प्राइस इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आपको कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड करनी है। एंट्री हम लोग ने डिस्कस की है, ये ड्राइंग्स है, पूरा
प्रोपराइटर रिसीवर है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट देंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट दिया और कॉस्ट प्राइस आएगी 500 और हम लोग परचेस अकाउंट को क्रेडिट देंगे क्योंकि गुड्स बिजनेस से जा रहा है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 500, उसका नरेशन बीइंग विड्रॉन गुड्स कॉस्टिंग 500 फॉर पर्सनल यूज। अभी नरेशन लिखने के बाद हम लोग ये दोनों ट्रांजैक्शन क्लोज करते हैं। ये दोनों ट्रांजैक्शन हम लोग ने क्लोज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है, रेंट पेड 1700, एक्चुअली ये वो रेंट पेड रुपीज 1500 है, रेंट पेड रुपीज 1500 टू लैंडलॉर्ड, 1/3 ऑफ द प्रीमाइसेस इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज ओन रेसिडेंस। अब इधर ध्यान दो, हम लोग कैश पे कर रहे हैं 1500, लेकिन 1500 का 1/3 में जो प्रोप्राइटर है वो खुद स्टे कर रहा है, तो अभी इधर कैश अपना जा रहा है 1500, लेकिन उसमें से 1/3 है मतलब 500 ये पर्सनल यूज के लिए मतलब ड्रॉइंग्स आएगा, और इधर अपने को क्या करने का है, ड्रॉइंग्स की जो अमाउंट है वो 500 आएगी, 1500 का 1/3 500, और बाकी का जो 1000 है ये प्रॉपर रेंट पे कर रहे हैं, तो एंट्री अपने की इधर आएगी। थर्ड, सबसे पहला ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट आएगा 1500 का 1/3 और ये आएगा आपका 500, बाकी का बचा हुआ आपका रेंट है, प्रॉपर रेंट अकाउंट डेबिट ये आपका होगा 1000 और कैश आपके बिजनेस से जा रहा है टू कैश अकाउंट और ये आपका आएगा 1500। सबको क्लियर है? रेशन बीइंग पेड रेंट रुपीज 1500 कॉमा 1/3 ऑफ विच वेयर ऑक्यूपाइड बाय प्रोप्राइटर। फॉर ओन रेसिडेंस। क्लियर है सबको? ओके, अभी नरेशन लिखने के बाद इसको क्लोज करेंगे, फिर अगला ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 6000 टू कालू सिंह एट एन इनवॉइस प्राइस 10% अबव कॉस्ट लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। अभी ये ट्रांजैक्शन में हम लोग सेल कर रहे हैं कालू सिंह को, अभी 6000 उसका कॉस्ट है, अभी हम लोग उसके ऊपर प्रॉफिट कमा के ही बेचेंगे ना, तो 6000 का 10% प्रॉफिट आएगा, 6000 का 10% 600 रुपया ऐड करेंगे 6600 और बाद में उसको डिस्काउंट दे रहे 5%, मतलब 6600 का 5% ट्रेड डिस्काउंट
हम लोग माइनस करेंगे। तो कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग इसकी एंट्री करते हैं। एंट्री है अभी मेसर्स कालू सिंह को हम लोग सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहला वो रिसीवर है, तो मेसर्स कालू सिंह अकाउंट डेबिट। उसको डेबिट दिया और इधर उसका जो अमाउंट है 6000 में 10% ऐड करने का और बाद में 5% कम करने का। 6000 में 10% मतलब 600 रुपया ऐड करो 10% और बाद में तो ये जो अमाउंट आएगा आपका 6600 में से आपको 5% मतलब 330 माइनस करना है, ये 5% है, तो 660 में से 330 माइनस करने का 6600 में से, तो 6600 में से 330 माइनस किया तो 6270 को बेचेंगे। और इधर सेल्स अपने लिए इनकम है, तो सेल्स अकाउंट को अपने को क्रेडिट करने का है 6270 से। और अभी नरेशन बीइंग सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 6002 मेसर्स कालू सिंह एट 10% अबव इनवॉइस प्राइस एंड 5% ट्रेड डिस्काउंट। सबको क्लियर है? अभी ट्रांजैक्शन होने के बाद नरेशन लिखा, नरेशन लिखने के बाद इसको क्लोज करेंगे। अभी इसके बाद उसका टोटल लेने का है, ₹44,270 इसका टोटल आ गया। उसको क्लोज करते हैं और इधर टोटल लिखते हैं, तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। तो अभी हम लोग 8 प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला फॉर्मेट ड्रॉ करके लेते हैं, तो हेडिंग डालेंगे। अभी ये जो प्रॉब्लम है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दीवान फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो दीवान अपना बिजनेसमैन है, उसके बुक्स में अपने को एंट्रीज पास करना है, तो हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दीवान। तो हेडिंग डाला, ओनर का नाम डाला। अभी क्या प्रिपेयर करने वाले हैं? जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने वाले हैं। तो हेडिंग डालते हैं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दीवान में जर्नल एंट्रीज, पहले पार्टी का नाम, उसके बुक्स में हम लोग एंट्रीज करने वाले हैं, बाद में क्या करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज, ये हम लोग ने ड्रॉ किया। उसके बाद फॉर्मेट बनाते हैं, फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स, देन LF कॉलम, देन डेबिट रुपीज, देन क्रेडिट रुपीज, तो ये अपना फॉर्मेट रेडी हो गया। अभी ऑर्डर्स निकलते हैं।
बॉर्डर्स निकाला, उसके बाद रूलिंग करते हैं। सबसे पहला पर्टिकुलर्स कॉलम को फिर एलएफ डेबिट और क्रेडिट को रूलिंग करते हैं। उसके बाद रूलिंग करने के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हेडिंग्स को क्लोज करते हैं, तो अपना फॉर्मेट ड्रॉ करके हो गया। प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर देवान फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अभी अपने को जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ओके, सबसे फर्स्ट ब्रिक्स वर्थ रुपीज 1 लाख परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग परचेज कर रहे, बिल्डिंग परचेज नहीं कर रहे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे, बना रहे, और उसके लिए हम लोग ने ब्रिक्स परचेज की। अब ये ब्रिक्स परचेज की है बिल्डिंग के लिए, तो ये अपने को बिल्डिंग्स अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा, और कैश अपना जा रहा है करके कैश अपने को क्रेडिट देना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंट्री आएगी आपकी बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट और हम लोग कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बिल्डिंग्स के लिए अपना पैसा लग रहा है और कैश अपना जा रहा है, और इसका अमाउंट है 1 लाख। नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेस्ड ब्रिक्स, बीइंग परचेस्ड ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। रुपीज 1 लाख, तो ये एंट्री हो गया, उसका नरेशन हो गया, उसका अभी क्लोज करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रुपीज 1800 वॉज स्टोलन फ्रॉम द सेफ वॉल्ट ऑफ द फर्म। अभी तक चोरी हो गया तो ये अपना लॉस है, तो अभी लॉस के लिए जो अकाउंट होता है लॉस थेफ्ट के वजह से हो गया है, तो इधर लॉस का अकाउंट रहता है लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट और अपना कैश चोरी को गया है, मतलब कैश बिजनेस से गया, तो टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है 1800 तो एंट्री हो गया। अब इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश स्टोलन रुपीज 1800 फ्रॉम द सेफ वॉल्ट ऑफ द फर्म। अभी नरेशन हो गया, नरेशन होने के बाद उसको क्लोज करेंगे। तो ये ट्रांजैक्शन अपना हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं, थर्ड, पेड कैश टू मिसेस दीवान ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर दीवान 1980। अभी
ये हम लोग मिसेस दीवान उनकी वाइफ है उनको कैश पे कर रहे हैं मिस्टर दीवान के बिहाफ में। तो ये ड्राइंग्स है, अभी ये हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर दीवान पे कर रहे हैं, किसी को भी पे कर रहे हैं। अगर हम लोग किसी को भी पे कर रहे हैं उनके बिहाफ में तो वो उनका पर्सनल एक्सपेंडिचर है। तो ये ड्राइंग्स अकाउंट आपको डेबिट देना पड़ेगा और कैश अपना बिजनेस से जा रहा है करके कैश अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो एंट्री आएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और इसकी जो अमाउंट है 1980। ओके, इसके बाद नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड कैश टू मिसेस दीवान ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर दीवान रुपीज 1980। तो ये अपना नरेशन हो गया। नरेशन लिखने के बाद उसको क्लोज करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट परचेज हाउसेस फॉर कैश 9600। अभी ये भी बिल्डिंग का ही हिस्सा है, हम लोग हाउसेस परचेस कर रहे हैं। तो इधर बिल्डिंग है, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट देंगे और अपना कैश बिजनेस से जा रहा है तो बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट और क्रेडिट देंगे कैश अकाउंट। ठीक है, और इसका जो अमाउंट है 9600। नरेशन आएगा बीइंग परचेस्ड हाउसेस फॉर कैश रुपीज 9600 बीइंग परचेस्ड हाउसेस फॉर कैश रुपीज 9600। सबको क्लियर है? अभी नरेशन लिखने के बाद इसको अपने को क्लोज करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड फॉर कैरेज आउटवर्ड रुपीज 1500। तो कैरेज आउटवर्ड अपने लिए खर्चा है, कैरेज आउटवर्ड को डेबिट देंगे कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट और अपना कैश जा रहा है करके कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और इसका कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट है 1500। नरेशन बीइंग पेड कैरेज आउटवर्ड रुपीज 1500। सबको क्लियर है? ओके, नरेशन लिखने के बाद उसको क्लोज करते हैं। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रुपीज 20,000 एट 6.5% फॉर 6 months। अभी ये जो ट्रांजैक्शन है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये 20,000 के ऊपर परसेंटेज है 6.5। तो 6.5 मतलब 6.5 और ये अपने को 6 months के लिए प्रोवाइड करना है।
तो 20,000 का 6.5 मतलब 6.5, 6.5 मतलब 6.5% मतलब अपॉन 100, और ये 6 मंथ्स के लिए प्रोवाइड करना है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने ये एंट्री देखी थी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये अपने लिए इनकम है, तो इनकम को अपने को क्रेडिट करना है और कैपिटल अकाउंट को डेबिट। तो नेक्स्ट जो एंट्री आएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। अभी ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा 20,000 के ऊपर 6.5% और ये अपने को 6 मंथ्स के लिए लेना है। नेक्स्ट लाइन में ये लेते हैं, बड़ा है तो 6.5% अपॉन 100 ये अपने को 6 मंथ्स के लिए लेना है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, और इसका आंसर 650 आएगा। 650 रुपीज ये है इंटरेस्ट। नरेशन बीइंग चार्ज इंटरेस्ट ऑन drawings at the rate of 6.5% for 6 months on rupees 20,000। तो narration अपना हो गया, narration लिखने के बाद close करना है। क्लोज करके टोटल लेनी है, टोटल सेम होनी चाहिए डेबिट और क्रेडिट की। टोटल सेम आ गई 2,020,430। अभी इसको अपने को क्लोज करने का है, ये क्लोज किया और इधर लिखते हैं टोटल, तो ये अपना क्लोज है। किसी को कोई डाउट्स है? ओके, थैंक यू।